हेलो ये क्या हुआ <laughs> कैसे हुआ चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ ये आगे से काट देंगे हम ठीक है आगे से रिमूव कर देंगे ये वाला पोर्शन हम ठीक है चलो शुरू से शुरू करते हैं सभी को नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर आज हम शुरू करने वाले हैं ये कोर्स जिस कोर्स का नाम है उड़ान कोर्स उड़ान कोर्स शुरू क्यों किया गया किस पर्पज से किया गया क्या सोच के किया गया कब किया गया ठीक है पहले ऐसे दो कोर्सेज आ चुके हैं आप सभी के लिए और वो कोर्सेज आए गए थे किस लिए लाए गए थे आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग टॉपिक डी को स्ट्रांग बनाने के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये डी सुनने में जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स लग रहे हैं ना ये आपके प्री और मेंस का 40 से 50 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं 40 से पचास प्रतिशत दोबारा से ठीक है तो यहां पे फोर्टी परसेंट टू फोर्टी फाइव परसेंट अगर ये प्री में आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है और मेंस की डीआई समझना करना इसके बिना आसान नहीं है आपको पहले पहली पहली चार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं फिर आप पांचवीं सीढ़ी चढ़ते हो तो ये पहली चार सीढ़ी है जो मेंस में बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बड़ी ही कैलकुलेटिव बड़ी ही हटके बड़ी ही डिफरेंट सी जो डीआई आती हैं उनको तोड़ देने के लिए पहले इधर से उड़ान से आपको डीआई फिनिश करनी पड़ेगी ठीक है तो उड़ान कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पहली क्लास आज यूट्यूब पे हो रही है और इसकी आगे की क्लासेस यस ऑफिसर की ऐप पे होने वाली है तो जो पढ़ना चाहिए यस ऑफिसर की ऐप पर आके सब्सक्रिप्शन लेके कंटिन्यू कर सकता है अभी हम बात वो नहीं करेंगे अभी बात करेंगे हम डीआई की बच्चे आपको पता है कि हमारे पास या ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कितना सारा डेटा कलेक्ट होता है बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है चाहे वो जनगणना को लेकर हो चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हो चाहे कॉर्पोरेट में देखा जाए तो उनकी सेल रेवेन्यू इन सब चीज़ों को लेकर हो तो इतना सारा डेटा एनालाइज करने के लिए ना उनको ऐसे नंबर्स में एनालाइज नहीं किया जा सकता सोचो तुम्हारे सामने एक साल में पचास शहरों में बिकने वाले बिस्किट्स का डेटा हो कि कितने कितने पैकेट्स बिक जाते हैं पचास शहर एक साल के तीन दिन हैं और हर रोज़ का डेटा है तो आप उसको पढ़ने लगोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे यार इतना सारा डेटा उस डेटा को थोड़ा सिंपल फॉर्म में एनालाइज करना है उन्हें यह देखना है कि सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बिस्किट पैकेट्स की उन्हें यह देखना है कि सेल कई कई शहरों में घट रही है देखना है सेल कई कई शहरों में कॉन्स्टेंट है तो उनको क्या चाहिए होता है उनको उस डेटा को सिम्पलीफाई करवाना चाहिए होता है किसी तरीके से डेटा सिंप्लीफाई हो जाए और डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए जिस टूल को इस्तेमाल किया जाता है वहां पे वो होते हैं ग्राफ्स तो ग्राफ्स के थ्रू वो अपने डेटा को सिंपली समझ सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं और एक किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं और इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा को सिंप्लीफाई करना समझना इवैल्यूएट करना और एक निष्कर्ष पे पहुंचना आप जो इतना आप जो ग्राफ्स देखते हो ना ये ग्राफ बनाए इसलिए जाते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ आए आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएं ओल दो आप तो ग्राफ देख के कहते हो कि ये कहाँ से आ गया इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ ठीक है करेंगे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट सीखेंगे क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं ठीक है आपको आज की क्लास की पीडीएफ डी में टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर करूंगा एट द रेट स्टडीफाइड पी डी टेलीग्राम चैनल ये इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो ये बहुत ज़रूरी चैनल है इसमें ज़रूर आप रहिएगा और इसके साथ साथ ये सब आप जानते ही मैं आराम से बात करता हूँ इस बारे में अभी हम शुरू करते हैं ठीक है पहले हम पढ़ाई पे बात करने वाले हैं बहुत जरूरी तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे समझनी है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का आप सभी के लिए मतलब क्या है इसका किताबी मतलब या मतलब जो एक्चुअल मतलब वो मैंने आपको बता दिया कि डेटा को रिव्यू करना समझना एनालाइज करना होगा आउटकम तक पहुंचना वो उसका किताबी मतलब है असली मतलब आपके लिए क्या है आपके लिए यहां पे सिंपली मतलब है गिवन ग्राफ को समझना आपके लिए इसका क्या मतलब है गिवन ग्राफ को समझना उसके डेटा को सिंपलर फॉर्म में लिखना है सिंप्लीफाई करना है उसके डेटा को और जब वो डेटा सिंप्लीफाई हो जाए तो उस डेटा पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना ठीक है ये आपका काम है ये आपके लिए मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन का ठीक है सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा ठीक है सेशन आप सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक जरूर कर देना एक साथ बहुत ही फोकस और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने इस पूरी क्लास को अच्छे से समझना सेशन को लाइक करेंगे एक बार सारे बच्चे ठीक है सो डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे पहले आपको क्या करना है गिवन ग्राफ को समझना है डेटा को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है. है? रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे डेटा आपके पास आपके चार मेन ग्राफ होते हैं उनके फॉर्म में रखा जाता है जिसमें आप सबसे पहले लेंगे सबसे सिंपल लेंगे जिसको हम टेबल या फिर टेब्युलर कह देते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम पाई चार्ट कह देते हैं उसके बाद नेक्स्ट वन जिसको हम लाइन ग्राफ कह देते हैं एंड नेक्स्ट वन जिसको हम बार ग्राफ कह देते हैं ठीक है ये चार बेसिक तंब हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के इन चार से शुरुआत होती है ठीक है इन चार से शुरुआत होती है अब ऐसे कहा जाए तो इसके अलावा हम स्केटर भी बना सकते हैं रडार भी बना सकते हैं इसके अलावा हम बहुत कुछ बना सकते हैं पर आपके बेसिक लेवल पे इन चार से हम शुरुआत करते हैं और इन चारों को समझते हुए फिर हम अलग अलग टाइप के ग्राफ्स की भी बात करते हैं और उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं ठीक है ये तो आ गया आपका ग्राफिकल मोड ये सारे के सारे आपके ग्राफ के फॉर्म में आते हैं अब ग्राफ के अलावा आपका एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड डेटा जहां लैंग्वेज दी जाती है और लैंग्वेज दी जाती है आपके लिए लिखा जाता है पूरा स्टेटमेंट्स बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपके सामने रखे जाते हैं उस पैराग्राफ में को आपको ढंग से समझना होता है क्योंकि उसमें उस पैराग्राफ में डेटा को बिखेर बिखेर के लिखा होता है उस बिखरे हुए डेटा को कलेक्ट करना होता है और उसको कंबाइन करना होता है और उस फॉर्म को हम बोल देते हैं केस लेट डी क्या बोल देते हैं बच्चा जी केस लेट डी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके प्री और मीन्स दोनों में पूछी जाती है इसमें से आपको डेटा को पढ़ना होता है उसको सिंप्लीफाई करना होता है उसको एक सिंपलर फॉर्म में लिखना होता है और उस सिंपलर फॉर्म में लिखे गए डेटा का इस्तेमाल करते हुए उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बार बार आप एक, वर, एक वर्ड यूज कर रहे हो सर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या मतलब हुआ कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है मॉडरेट क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे सिंपली मान लीजिए आपको डेटा दे दिया जाए बहुत सिंपल सा डेटा मैं आप सभी के सामने रखूंगा

और बी की इनकम की रेशियो क्या होगी आपस में? ऐसा क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है कि इनकम ऑफ ए प्लस बी एंड इनकम ऑफ सी प्लस डी क्या रेशियो होगी इतना तक बनाया जा सकता है कि इनकम जो डी की होगी वो कितने प्रतिशत ज्यादा होगी या कम होगी इनकम ऑफ ई से ऐसा क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है ऐसा तक बनाया जा सकता है कि एवरेज ऑफ ए सी विल बी हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज ऑफ बी सी डी ऐसा तक पूछा जा सकता है अगर उसने सिंपल टू सिंपल पूछना है आपसे ठीक है कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा लिख रहे हो सर अभी तो तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ है ना लायकों लिखना क्या कापी काली कर दूंगा पूरी की पूरी मेरे तो काली कापी ऑलरेडी है सफेद कर दूंगा पूरी की पूरी आप अभी रुको तो सही आप अभी सीखो तो सही उसके बाद सिंपल टू सिंपल फॉर्म में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एज इनकम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हैं वो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज find सेविंग्स ऑफ बी इज what परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ डी इफ बी saves 20 परसेंट मोर देन ए ठीक है ऐसे बना भी सकता है वो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेशन इन्फ्यूज करते हुए तो अब बात आती है कि आपका एग्जामिनर करता क्या है आपका एग्जामिनर दिए गए डेटा को गिवन डेटा को बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे यूज कर सकता है बेसिक लेवल पे यूज करने का क्या मतलब है बेसिक लेवल पे यूज करना का मतलब है कि ओनली यूज गिवन डेटा एंड डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब आपके सामने है कि आपको ये डेटा दे दिया इसका कोई ग्राफ बना के दे देता मान लो या टेबल बना के दे देता तो कहता सिर्फ यही डेटा यूज करो और मैथमेटिकल ऑपरेशन करो जैसे कि कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं के कैसे भी जोड़ के सी जो है इन सब का, सम का कितना परसेंटेज है ये पूछ सकता है आपसे या फिर यह पूछ सकता है कि ई e जो है ईडी e का जो एवरेज है वो बी और सी के एवरेज से कितना ज्यादा कितना कम है पूछ सकता है ना सिर्फ गिवन डेटा पे घुमा सकता है आपको बार 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 वो पूछ सकता है कि पहले तीनों का सम और इन दोनों के डिफरेंस के बीच की रेशो क्या है वो ये पूछ सकता है कि और डीओरी का जो डिफरेंस है वो इन सब का मिला के कितना परसेंटेज है पहला तरीका तो हो हुआ जब वो गिवन सारे डेटा की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस पर मैथामेटिकल ऑपरेशन लगा रहा है पहला तरीका तो ये हुआ दूसरा तरीका दूसरा तरीका जब वो गिवन डेटा में जो दिया गया है गिवन डेटा के साथ कोई नया डेटा कनेक्ट कर दे ये उसका दूसरा तरीका है गिवन डेटा के साथ कोई नया तरीका को डेटा कनेक्ट कर दे जैसे कि यहां पे पांच लोगों की इनकम आपको दी गई है किसी छठे या सातवें पर्सन की बात शुरू कर दे कह दे जी एफ और जी का जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस वही है जो ए और बी का है और कह दे एफ और जी का जो सम है ना वो सम वही है जो डी और ई e का है तो इन दोनों का सम आ गया इन दोनों का डिफरेंस आ गया वो आ जाने के बाद बोले कि एफ अपनी इनकम में से थर्टी परसेंट सेव करता है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो मजेदार अब वो नया डेटा देने लग गया अब वो दे दे इस तरीके से कि सी जो सी की जो इनकम है उसमें से चालीस परसेंट वो उठा के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर देता है जहां पे उसको थर्टी परसेंट इंटरेस्ट मिलता है एक साल का तो बताओ दो साल में इंटरेस्ट कितना आएगा मतलब उसने क्या किया गिवन डेटा को पकड़ के खींच दिया अब वो खींच के उसमें नया 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 डेटा डालेगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा वो बोले कि डी जो है अपनी इनकम में से टेन परसेंट रेंट में देता है बचे हुए का ट्वेंटी परसेंट वो अपने बच्चे की स्कूल के लिए खर्च करता है बचे हुए का दस परसेंट वो अपने घर का रेंट देता है बचे हुए का पांच परसेंट वो अपने घूमने के लिए इस्तेमाल करता है और बाकी बची हुई सैलरी वो अपनी बीवी के हाथों में थमा देता है तो बताओ उसने अपनी बीवी के हाथों में कितनी सैलरी थमाई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है गिवन डेटा को एक्सटेंड भी कर सकता है वो कुछ भी नया डाल देता है तो ये दो तरीके होते हैं जिससे वो डेटा पूछ आपसे क्वेश्चन पूछता है एक, एक तो कहेंगे हम गिवन डेटा की हल किसी इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के उसके ऊपर काम करना गिवन डेटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए और उसके ऊपर काम किया उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिए और एक गिवन डेटा को मैनिपुलेट करके उसमें नया डेटा एड करके कुछ नया रेफरेंस ऐड करके कुछ नया कॉन्टेक्स्ट ऐड करके आपसे वो सवाल बना के पूछ लेता है इसको हम कहते हैं दूसरा तरीका क्लियर और नॉट जल्दी से बताएंगे एक साथ सारे के सारे बच्चे क्या बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आप सभी को क्लियर है कि कैसा सवाल बन सकता है कैसा डेटा हो सकता है क्या एक बेसिक थिंग है उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप सभी के सामने आती है हम बात कर रहे हैं यहां पे टेबल की टेबुलर ये जो टेबुलर वाला सेक्शन है टेबल वाला सेक्शन है फैंसी नाम इसका टेबुलर है बेसिक वाला नाम इसका टेबल है ठीक है ये दो चीजें हैं इसको रो और कॉलम के कंट्री मिला जुला के रो और कॉलम से एक सेट बनाया जाता है इस तरीके से दिखने वाला ठीक है जिसमें इन, इनको रोज बोल दिया जाता है ये सारी रोज है ये कॉलम्स है और इनको मिला जुला के आप सभी के सामने एक एक पूरा का पूरा डेटा बनाने के लिए एक बेस रेडी हो जाता है ठीक है और यहां पे ये कुछ भी दे सकता है जैसे कि मान लीजिए वो दे रहा है कि कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं, तीन अलग अलग स्कूलों में ये डेटा दे दिया मान लीजिए यहाँ पे वो बहुत बेसिक लेवल पे 500 और 300 दे दे आपको यहाँ पे 250 और 350 दे दे यहां पे 190 नाइनटी एंड सेवन दे दे आपको 900 तो ये जो डेटा है इसको बोलते हैं टेबल का स्ट्रक्चर इसको हम मोस्ट फॉर्म ऑफ़ डेटा बोलते हैं मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको किसी ग्राफ को समझना नहीं होता इसमें किसी आपको किसी ग्राफ को बिना बात का मैंने तो मतलब घुसना नहीं पड़ता कि एक एक छोटी छोटी बारीक लाइन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती बार की लेंथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती सब कुछ आंखों के आगे लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं टेबुलर डेटा बट इसके अंदर वो एक बड़ा खेल बढ़िया खेल देता है आजकल क्या करता है वो इसमें इक्का दुक्का जगह वो वेरिएबल डाल देता है जैसे कि वो क्या करेगा यहां पर उसने क्या कर दिया के डाल दिया ठीक है यहां के डाल दिया इसने ये ब्लैंक उसने खाली छोड़ दिया वो ऐसा कर देगा वो क्या करेगा यहां पे वो उठा के एम डाल देगा एम डाल देगा और ये वाला ब्लैंक वो खाली छोड़ देगा ऐसा कर देगा फिर एम और के निकालने के लिए वो एक लैंग्वेज लिख के देगा बोलेगा के इज डबल ऑफ एम एंड गर्ल्स इन बी आर ट्वेंटी परसेंट मोर देन बॉयज ने ऐसे करके आप गर्ल्स का डेटा निकाल लो के निकल जाएगा के निकल गया तो एम निकल जाएगा सब कुछ निकल जाएगा तो ऐसा बिना बात का वेरिएबल डालता है फिर स्टेटमेंट देके उसको निकालने की बात भी करता है ये कर कर लेता है वो कई बार आपके अभी प्री ओरिएंटेड बातचीत रहा रहा हूं में घुस ठीक है तो ये एक फॉर्म है उसका डेटा लगाने का डेटा दिखाने का डेटा समझाने का इसको बोलते हैं टेबुलर या फिर टेबल उसके बाद अगला फॉर्म क्या आता है अगला फॉर्म मैं आप सभी के सामने जो रख रहा हूं वो आता है पाई चार्ट पाई चार्ट ठीक है अब पाई चार्ट एक सर्कुलर मैनर में सर्कुलर फॉर्म में दिया गया डेटा ठीक एक सर्कुलर फॉर्म में जो है आपके सामने रखा गया ऐसा 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 कुछ बनाया हुआ होता है आपको कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है इस वो इस फॉर्म को बोलते हैं पाई चार्ट क्या बोलते हैं इस फॉर्म को पाई चार्ट इस फॉर्म को हम पाई चार्ट बोलते हैं और इस पाई चार्ट के अंदर क्या है आप देख पा रहे हो इधर परसेंटेज लिखी हुई है लिखी हुई है ना और इधर देख पा रहे हो इसी लिखी हुई है डिग्री तो एंगल दर्शाती है ना और परसेंटेज एक टर्म है जो बचपन में सुनते आ रहे हैं हैं जो हमेशा हमारे कम आते एग्जाम में है ना तो एक तरफ परसेंटेज में बात की गई है एक तरफ डिग्री में बात की गई है और एक तरफ परसेंटेज एक तरफ डिग्री और इधर कुछ एग्जैक्ट डेटा लिखा गया तो ये डेटा आपको सिखाने के लिए लिखा गया है कि क्या होता है डिग्री क्या होता है परसेंटेज और कैसे इसका ग्राफ बनता है तो एक बार जो इस तरफ लिखा गया है ना इस तरफ लिखी गई वैल्यू को भूल जाइए आप सिर्फ इस तरफ लिखी वैल्यू को ध्यान से पढ़िए उसने कहा है कि एक जू की बात कर रहे हैं हम चिड़ियाघर वहीं जहां से भागे हुए हो तुम तो कुछ कुछ सारे तो नहीं कुछ कुछ भागे हुए हैं तो यहां बात हो रही है चिड़ियाघर की और यार चिड़ियाघर में जो डेटा दिया गया ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे कुल मिला के एक हजार लोग हैं जो विजिट करते हैं उन एक हजार लोगों में से 250 जनवरी के अंदर गए टू हंड्रेड में गए वन फिफ्टी मार्च में गए थ्री हंड्रेड अप्रैल में गए मे में हंड्रेड लोग गए तो ये एक तरीके से कंप्लीट डेटा है ये एक बेसिक लेवल पे डेटा है पर वो क्या करता है वो आपको इतना आसान डेटा नहीं देता वो कहता है चलो इन बच्चों की थोड़ी सी फिरकी लेते हैं फिरकी कैसे लेते हैं वो कहता है कि चलो हम पाईचार्ट बनाते हैं आपको पता है कि एक हजार जो है वो टोटल लोग हैं एक हजार जो है टोटल लोग हैं। टोटल लोग कितने बच्चों? वन थाउजेंड वो क्या कहता है वो कहता है कि यार एक बात बताओ ये जो टू फिफ्टी है ये वन थाउजेंड का कितना परसेंटेज है ये जो टू फिफ्टी है ये वन थाउजेंड का कितना परसेंटेज है जरा देखना तो हमने देखा ट्वेंटी फाइव परसेंटेज है फिर कहता है ये वन थाउजेंड का कितना परसेंटेज है मैंने कहा जी ट्वेंटी परसेंटेज है फिर कहता जी ये वन फिफ्टी जो है ये वन थाउजेंड का कितना परसेंटेज है तो मैंने कहा जी फिफ्टीन परसेंटेज है ये जो थ्री हंड्रेड है ये वन थाउजेंड का कितना परसेंटेज है मैंने कहा जी थर्टी परसेंटेज है ये जो हंड्रेड है ये वन थाउजेंड का कितना परसेंटेज है मैंने कहा जी टेन परसेंटेज है कहते हैं इन परसेंटेज का कुछ करते हैं परसेंटेज से कुछ करते हैं बच्चा घबराए तो सही थोड़ा घबराए तो सही उसको क्या पता वो पढ़ के किससे आ रहा है ऐसे कैसे घबराएगा ऐसे कैसे घबराएगा भैया तुमको घबराने थोड़ी देंगे बेपर में तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 25 परसेंट बीस परसेंट पंद्रह परसेंट तीस परसेंट और 10 परसेंट दिखाई दे रहा होगा 25 फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट थर्टी परसेंट टेन परसेंट यह आया कैसे की टोटल वैल्यू अगर एक हजार है तो उस 1000 का ये 250 25% है उस 1000 का ये 220% है उस 1000 का ये 150 15% है उस 1000 का ये 330% है उस 1000 का ये 110% है तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि कंप्लीट 1000 को मान लूं 100% उस कंप्लीट 1000 को मान लू मैं हंड्रेड परसेंटेज्रेड परसेंटेज में से ट्वेंटी और मे है टेन परसेंटेज तो उसने कहा उसने क्या कहा बच्चों सुनना उसकी बात ध्यान से कान लगा के सुनना कि अगर मैं मान लू कि यह वैल्यू है हंड्रेड परसेंट तो ये वैल्यू हो गई पच्चीस परसेंट वैल्यू हो गई बीस परसेंट ये वैल्यू हो गई फिफ्टीन परसेंट यह वैल्यू हो गई थर्टी परसेंट यह वैल्यू हो गई टेन परसेंट लिख रहा हूं कि टोटल है है तो ये वैल्यूज इतना इतना परसेंटेज बट कर तो अभी भी मैं टेबल पे रहा हूं कुछ कॉम्प्लिकेशन करते हैं ताकि बच्चा डरे तो कहते थोड़ा फैंसी वर्ड ढूंढ के लाता हूं थोड़ा सा फैंसी वर्ड उसने डिक्शनरी उठाई उसको फैंसी वर्ड मिला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पास मान लो एक एक पतीला भर के लड्डू हैं, टोटल पतीला भर के लड्डू हैं उन लड्डुओं को बांट दिया लड्डुओं को बांट दिया मतलब टोटल परसेंटेज को बांट दिया टोटल परसेंटेज कितना होता है टोटल परसेंटेज कितना होता है टोटल परसेंटेज हमेशा हंड्रेड परसेंट होता है बेस वैल्यू हंड्रेड परसेंट होती है हंड्रेड परसेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी कि बांट दिया हंड्रेड परसेंट को बांट दिया यही तो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तो कहता है कि ये जो बनाया है आपने चलो इसको इस रूप में दर्शाएं और इसको बना दे हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और दे दें इनको कि टोटल वैल्यू है वन थाउजेंड टोटल वैल्यू है वन थाउजेंड और वन थाउजेंड टोटल वैल्यू है टोटल विजिटर्स इज इक्वल टू वन थाउजेंड वो ऐसा दे देगा आपको और उसके बाद ये structure दे देगा जिसको हम अंग्रेजी भाषा में पाई चार्ट कहते हैं और वो सोचेगा मैंने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी अरे कैसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी मेरे शेयर ऐसे हैं ये डेटा आप नहीं पता आपको इस डेटा को भूल जाओ आपको सिर्फ मान लो इतना डेटा दे दिया जाए सिर्फ इतना डेटा तो अगर आपको पता है कि टोटल विजिटर्स एक हजार है और उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिया गया है मतलब परसेंटेज को बांटा गया है यहां पे, तो टोटल परसेंटेज तो वन थाउजेंड ही हंड्रेड परसेंट ही होता है ना तो हंड्रेड परसेंट का मतलब वन थाउजेंड है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वन थाउजेंड यानी कि टू फिफ्टी हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन थाउजेंड यानी कि टू हंड्रेड हो जाएगा फिफ्टीन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड यानी कि वन फिफ्टी हो जाएगा थर्टी परसेंट ऑफ वन थाउजेंड यानी कि थ्री हंड्रेड हो जाएगा और टेन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड यानी कि हंड्रेड हो जाएगा तो इसको उसने इस 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 डेटा को उसको सिंपली ना लिख के उसने ऐसे लिखा और सोचा आप डर जाओगे अरे आप तो कर जाओगे तो अभी हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के चलते मैं आपको एक चार्ट खुद बना के दे रहा हूं जिसके अंदर आप मेरे को बताओगे कि क्या क्या कैसे कैसे चलेगा ठीक है मैंने दिया यहां पर ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट ठीक है ये दिया मैंने आप सभी को ठीक है ये दिया मैंने आप सभी को और अब आपने मेरे को बताना है। ये जो है बेसिकली ये डेटा जो है वो है पी का ये डेटा है क्यू का ये डेटा है आर का ये डेटा है एस का ये डेटा है टी का तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं फोर्टी एट हंड्रेड तो मुझे बताओ हर एक स्कूल में कितने कितने बच्चे होंगे तो यहां पे बेसिकली एग्जामिनर ने आपको क्या कर दिया एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया परसेंटेज वो ऐसी भाषा लिखेगा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइव डिफरेंट स्कूल्स पी क्यू आर एस टी टोटल स्टूडेंट्स इन ऑल फाइव स्कूल्स टूगेदर ये डेटा दे दिए आपको अब अब आप इतने तो प्रो हो चुके हो ना कि इस डेटा को उधेड़ के पकड़ के निचोड़ पाओ कि भैया अगर आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो पांच अलग अलग स्कूलों की जिनका नाम है PQRST और टोटल स्टूडेंट्स उन पांचों स्कूलों में मिला के 4800 हैं, तो क्या मैं इंडिविजुअली बताने में घबराऊंगा बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा कि भैया जी अगर टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी एट इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि हंड्रेड की वैल्यू है फोर्टी तो मुझे पता है कि मेरी बेस वैल्यू क्या है बेस वैल्यू है 100% परसेंट और 100% परसेंट बराबर है 4800 का तो मेरी 4800 ही है बेस वैल्यू तो मुझे ये सारे परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं ये कैलकुलेट करने हैं किसके ये कैलकुलेट करने हैं फोर्टी के तो सबसे पहले पी की बात करूं तो पी फिर क्यू फिर आर फिर एस फिर टी तो पी की वैल्यू क्या है 25% 25% ट्वेल्व तो 4800 फाइव परसेंट वन 4800 यानी कि 1200 12.5% टेन परसेंट तो ऑफ 4800 यानी कि 600 10% एटी तो 4800 यानी कि 480 37.5% होता है थ्री बाई ये 12.5% का तीन गुना होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का तीन गुना वन बाय का तीन गुना यानी कि थ्री बाय एट थ्री बाय एट करूंगा तो छे सौ का तीन गुना अठारह सौ आएगी बच्चों वाली आगे बढ़ते हुए पंद्रह परसेंट निकालना है मुझे फोर्टी एट हंड्रेड का दस परसेंट होगा फोर एटी और पांच परसेंट होगा टू फोर्टी सम आ जाएगा ठीक है वैसे तो हम जानते हैं कि इन सब का सम क्या होगा बट फिर भी दिल की तसली के लिए एक बार करके देख लो बारह और छ सो सुनना बारह और छे सो अठारह सो एटीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड कितना हो गया ट्वेंटी टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड एटीन हंड्रेड हो गया फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड हो गया फोर्टी सेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन हंड्रेड एट्टी फोर्टी सेवन हंड्रेड एट्टी एंड ट्वेंटी फोर्टी एट हंड्रेड बात है इन सब का सम फोर्टी एट हंड्रेड के बराबर ही आना चाहिए और ऊपर से इनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस कैसे बनी है आपको पता है ना आपको पता है ना ये परसेंटेजेस कैसे बनी होंगी पर फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी चीज समझाने आया हूं तो मैं एक छोटी से छोटी चीज बार बार बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे फोर्टी एट हंड्रेड 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 तो मैं देख रहा हूं समझ रहा हूं बड़े प्यार से कि ट्वेल्व हंड्रेड जो है ये पहले वाली वैल्यू ट्वेल्व हंड्रेड जो है फोर्टी एट हंड्रेड का कितना परसेंटेज है वन बाय फोर चार से काटोगे पच्चीस पच्चीस प्रतिशत छे सो छो इस फोर्टी एट हंड्रेड का कितना परसेंटेज है 8, 8, 8, 100 उसके बाद फोर एटी फोर एटी फोर्टी एट हंड्रेड का कितना परसेंटेज है फोर्टी एट फोर एटी से फोर्टी एट हंड्रेड काटूंगा वन बाय टेन यानी कि दस परसेंटेज देखो ये लिखा हुआ इसको देखोगे अठारह सो कितना प्रतिशत है है percentage, तो 3 by 8 का से दी होता टे तो होगा का तीन गुना यानी कि percentage, तो ये ऐसे आया है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए लास्ट आ गया सेवन ट्वेंटी थ्री बाय ट्वेंटी यानी कि इससे काटोगे पांच बार पंद्रह परसेंट आएगा और ये पंद्रह परसेंट तुम्हारे सामने है तो ये मतलब होता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है आई थिंक सबको समझ में आया होगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस इसके अगले एस्पेक्ट को पकड़ते हैं जो अगला एस्पेक्ट है इसका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन सर ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस जाता हूं मैं मैं देख पा रहा था मैं समझ पा रहा था मैं देख पा रहा था मैं समझ पा रहा था कि भाई यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज तो लिखी हुई हैं एग्जैक्ट वैल्यूज तो लिखी हुई हैं उसके परसेंटेजेस यहां लिखे हुए हैं साथ ही कुछ डिग्री में भी लिखा हुआ है ये डिग्री में क्या लिखा हुआ है डिग्री में क्या लिखा हुआ है तो डिग्री में कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों बच्चों एक बात बताओ बचपन में तुम ऐसे एंगल बनाते थे ना ऐसे एंगल बनाते थे ये कुछ फोर्टी फाइव डिग्रीज का एंगल होता था याद है ये 90 डिग्री का कोण होता था 90 डिग्री का एंगल होता था ये, याद है याद है कि याद है ये 135 थर्टी डिग्रीज का एंगल होता था ये, याद है ये 180 एटी डिग्रीज का एंगल होता था याद है याद है कि नहीं है ये बताओ वैसे ही एक 270 सेवेंटी डिग्रीज का एंगल होता था कुछ याद आया वैसे ही एक 360 डिग्रीज का एंगल होता था जो पूरा गोल एंगल होता था मतलब ये जो एंगल होगा ये बेसिकली होगा 360 डिग्रीज का कंप्लीट गोल एंगल तो इन्होंने क्या कर दिया उन्होंने बोला कि बच्चों ये एक सर्कल है ठीक है ये एक सर्कल है इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा कोण है ये पूरा का पूरा कौन है जो कंप्लीट टोटल वैल्यू है टोटल वैल्यू तो दिखाती है 360 डिग्री को ठीक है तो इस 360 डिग्री को टोटल मान के इसमें से 45 डिग्री अलग कर दिया 90 डिग्री अलग कर दिया 60 डिग्री अलग कर दिया ऐसे चलता जाता है इसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और उसमें से अलग अलग डिग्री अलग अलग हिस्सा बताने के काम आती है सर कैसे ये तो बताओ मैं बता रहा हूं ना लाइकों अभी तो शुरू हुआ जैसे आप सभी ने जोड़ा टेन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थर्टी इन सबका जो आया वो आया हंड्रेड इन सबका जो आया वो आया हंड्रेड परसेंटेज आया ना और हंड्रेड परसेंट में से पच्चीस परसेंट इधर बीस परसेंट इधर पंद्रह परसेंट इधर तीस परसेंट इधर और दस परसेंट इधर गया ना वैसे ही ये इन सब का सम करोगे ना तो यू विल सी 360 डिग्री 360 डिग्री और 360 डिग्री में से 90 डिग्री यहां पर पे, पे 54 डिग्री यहां डिग्री यहां पे और डिग्री यहाँ पे, पे जाते हैं मैं देख पा रहा हूं मैं देख पा रहा हूं मुझे 360 डिग्री दिखाई दे रहा है, 360 डिग्री क्योंकि 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें हो रही हैं, थ्री डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री में से सबसे पहले मुझे 90 डिग्री सेवेंटी टू डिग्री फिफ्टी फोर डिग्री दिखाई दे रहा है 90 डिग्री सेवेंटी टू फिफ्टी फोर वन जीरो एट थर्टी सिक्स ये सब दिखाई दे रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं 90 से काटूंगा तो एक तरीके से ये वन फोर्थ पार्ट की बात हो रही है वन बाय फोर पार्ट की बात हो रही है सेवेंटी टू थर्टी सिक्स से काटूंगा ये सेवनटी टू से काटूंगा वन बाय नीचे फाइव आएगा।, तो आएगा, आएगा तो क्या ये कह सकता हूं मैं कि वन बाय फाइव पार्ट की बात हो रही है सही बात है फिफ्टी फोर से छोड़ो अट्ठारह से काटूंगा थ्री बाय ट्वेंटी आएगा अट्ठारह से काटूंगा थ्री बाय ट्वेंटी आएगा तो क्या ये थ्री बाय ट्वेंटी पार्ट की बात हो रही है सही बात है छत्तीस से काटूंगा थ्री बाय टेन आएगा क्या ये थ्री बाय टेन पार्ट की बात हो रही है और अगर छत्तीस से काटूंगा तो वन बाय टेन आएगा तो यह वन बात अरे बच्चों हमारे जो ये वैल्यूज थी ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट थर्टी परसेंट टेन परसेंट थी तो ये क्या वही फ्रैक्शन ही तो आ गई ट्वेंटी का मतलब वन बाय होता है ट्वेंटी का मतलब वन बाय होता है फिफ्टीन का मतलब थ्री बाय होता है थर्टी परसेंट का मतलब थ्री बाय टेन होता है टेन परसेंट का मतलब वन बाई टेन होता है तो बात तो घूम फिर के वही है पहले परसेंटेज के तरफ से थी पहले परसेंटेज वही बात बोल रहा था पहले बोल रहा था कि टोटल हिस्सा सो है तो उसमें से पच्चीस हमारी वैल्यू फर्स्ट वाली आती है इस बार ये बोल रहा है टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री है तो उसमें से 90 डिग्री हमारी पहले वाली वैल्यू आती है घूम फिर के दोनों 25 बटे सो हो वो भी 1 बाय फोर बोल रहा है 90 बाय थ्री सिक्सटी हो ये भी चिल्ला चिल्ला के 1 बाय फोर बोल रहा है मेरी बात समझ आ रही है सबको अच्छे से तो अब इन सब चीजों को हमने डिग्री के फॉर्म में कैसे देखना है देखो जैसे पिछली बार आप क्या करते थे जो आपकी कंप्लीट वैल्यू थी सारे के सारे सारे के सारे टूरिस्ट मिला के जो जू में जा रहे थे सारे के सारे विजिटर्स मिला के जो जू में जा रहे थे वो वन थाउजेंड थे ना कंप्लीट वैल्यू वन थाउजेंड थी ना तो पहले आप क्या कर रहे थे हंड्रेड परसेंट आपका वन थाउजेंड के बराबर होता था इस बार 360 डिग्री आपका 1000 के बराबर हो जाएगा बस ये फर्क हो जाएगा बस और कोई फर्क नहीं है ठीक है 360 डिग्री की वैल्यू 1000 आ जाएगी तो यहां से अगर आप देखोगे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 थाउजेंड 360 थ्री दो से काटोगे आप तो 50 बटे अट्ठारह आ गई वैल्यू फिर 25 बटे नौ आ गई वैल्यू तो एक डिग्री का मतलब आ गया पच्चीस बटे नो एक डिग्री का मतलब क्या आ गया पच्चीस बटे नो अगर एक डिग्री का मतलब है पच्चीस बटे नो तो जब तुम इसको पच्चीस बटे नो से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टू फिफ्टी मिलेगा करके देखो नाइनटी को मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन से टू फिफ्टी मिलेगा सेवेंटी टू को मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन से तुम्हें दो सौ मिल जाएगा फिफ्टी फोर को मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन से तुम्हें एक सौ पचास मिल जाएगा एक सौ आठ को तुम मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन से तुम्हें तीन सौ मिल जाएगा तुम छत्तीस को मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव बाई नाइन से तुम्हें सौ मिल जाएगा ठीक है बट ये वाला पार्ट ना सच में सच में सुनने में भी और करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए यहां पे एक नई चीज का जन्म होता है कि सर जब एग्जामिनर डिग्री में लिख के दे तो मैं इसको परसेंटेज में ना कन्वर्ट कर लूँ अगर डिग्री में देगा मैं उसको उठा के परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा इससे मेरा काम आसान हो जाएगा मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है यार गलत तो नहीं कह रहा क्योंकि डिग्री में ना अजीब हो जाता है डिग्री में देखो ये 360 डिग्री है अगर यहां पे कुछ 7200 होती वैल्यू या ट्वेंटी फोर यहां पे कुछ ऐसी वैल्यू होती जो 360 से सीधी सीधी कट जाती तब तो मेरा काम आसान था बट ये तो सीधी सीधी कट ही नहीं रही बन रहा है ट्वेंटी फाइव बाय एक डिग्री की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी इससे तो मेरा काम बढ़ के खड़ा हो गया से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बैठ के पेपर में जहां टाइम पूरा मेरे को मिलता है बीस तेईस मिनट है फिर फिर यहां से जन्म हुआ कि हमें क्या करना है डिग्री से डिस्ट्रीब्यू डिग्री से परसेंटेज और जब जरूरत पड़े तो परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए तो हमने कहा चलो अब लॉजिकल बात कर रहे हो मजेदार बात कर रहे हो तो हम अब अगले पहर की तरफ मूव करते हैं पाई चार्ट के जो बोलता है आपको कि सर डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करो ना अब डिग्री से परसेंटेज करते में आप सभी के लिए तीन मेथड्स बने हैं एक मेथड नंबर वन है एक मेथड नंबर टू है ठीक है दो मेथड्स हैं। ये मेथड है जो कन्वेंशनल किताबी मेथड है ये वो मेथड है जो मैं करवाता हूं आशीष अरोड़ा स्पेशल मेथड है ठीक है तो दोनों मेथड आप सभी को आने चाहिए तभी आप प्रो बन पाओगे इसकी अपनी अहमियत है इसकी अपनी अहमियत है इसकी अपनी जरूरत है इसकी अपनी जरूरत है दोनों आने चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए ठीक है हम क्या करना चाह रहे हैं हम करना क्या चाह रहे हैं हम परसेंट हम सबसे पहले डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर ये चाह रहे हैं डिग्री का टोटल कितना होता है डिग्री की टोटल वैल्यू क्या होती है परसेंटेज की टोटल वैल्यू क्या होती है अगर डिग्री की होल वैल्यू देखोगे तो होल वैल्यू होती है थ्री सिक्सटी डिग्री और परसेंटेज की टोटल वैल्यू देखोगे तो सबको पता है यत्र तत्र सर्वत्र सौ प्रतिशत तो हमें बेसिकली समझना है कि कोई चीज अगर डिग्री में दी गई है तो वो परसेंटेज में कितनी होगी कोई वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तो वो डिग्री में कितनी होगी तो यहां से ना जो मेथड नंबर वन कहता है कि देखो 360 डिग्री भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 100% भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 100 भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब ये दोनों बराबर हो गई ये दोनों बराबर हो गई <coughs> मतलब 360 डिग्री जो है वो बराबर हो गई हंड्रेड परसेंट के मतलब वन डिग्री जो है या वन परसेंटेज जो है वो बराबर हो गया थ्री सिक्सटी बाय हंड्रेड डिग्री के मतलब वन परसेंटेज बराबर हो गया किसके थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री के और एक डिग्री बराबर हो गई वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज के तो बेसिकली मेथड नंबर वन ना फॉर्मूला बना के दे देती है एक ये फॉर्मूला बना के दे देती है वो कहती है कि जब कोई तुम्हें परसेंटेज दे दे जब कोई तुम्हें परसेंटेज दे दे तो तुम 3.6 से मल्टीप्लाई करके बता दो कि कितनी डिग्री है जैसे कि मान लो कोई परसेंटेज दे दिया किसी ने 20 परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट फिफ्टी परसेंट एटी परसेंट तो कहता है जब कोई आपको परसेंटेज दे देना तो एक परसेंट का मतलब थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री एक परसेंट का मतलब थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री तो तुम उठा के सीधा सीधा थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो एक परसेंट का मतलब थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो टेन परसेंट का मतलब हो गया थर्टी सिक्स डिग्री एक परसेंट का मतलब एक परसेंट का मतलब थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो ट्वेंटी परसेंट का मतलब हो गया ट्वेंटी इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री परसेंट का मतलब अगर थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो थर्टी परसेंट का मतलब हो गया थर्टी इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री एक परसेंट का मतलब अगर थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब हो गया थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री एक परसेंट का मतलब अगर थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो फिफ्टी परसेंट का मतलब हो गया फिफ्टी इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री एक परसेंट का मतलब अगर थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री है तो एट्टी परसेंट का मतलब हो गया थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री एट्टी तो इंटू थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री तो ये कितना आ गया ये आ गया सेवेंटी टू डिग्री ये क्या आ गया वन जीरो एट डिग्री ये कितना आ गया पच्चीस छत्तीस नब्बे डिग्री ये कितना आ गया वन एट्टी डिग्री और ये कितना आ गया टू एट्टी एट डिग्री तो ये ऐसे चलता जाता है कहानी जो है ऐसे चलती जाती है ये कहते हैं जब आपने डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे क्यों नहीं करते ऐसे कर दो परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना है आप ऐसे कर दो कोई आपको बोले कि ये सारी परसेंटेजेस आपको बताना ये सारी परसेंटेज अगर डिग्री में लिखी जाएंगी तो डिग्रियां क्या होंगी अगर ये सारी परसेंटेज मैं डिग्रियों में लिखना चाहूं तो इसकी डिग्रियां क्या होंगी तो डिग्रियों में बताने के लिए 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 पॉइंट सिक्स मट्टीप्लाई कर दो ये सारी की सारी डिग्रियां होंगी वहीं दूसरी तरफ वो क्या कहता है वहीं दूसरी तरफ वो क्या कहता है जब आपको डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना हो 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 तो क्या करो वो कहता है डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना हो ना अगर तो एक डिग्री का मतलब है वन डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज एक डिग्री का मतलब है वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज एक डिग्री का क्या मतलब है वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स परसेंटेज तो अगर आपको बताना है कि इस डिग्री का कितना परसेंटेज है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाय डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाय डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाय वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई कर दो वन बाय थ्री पॉइंट सिक्स है तो पता लग जाएगा परसेंटेज कितना तो यहां पता चल रहा है दस परसेंटेज है यहाँ पता चल रहा है बीस परसेंटेज है यहाँ पता चल रहा है तीस परसेंटेज है यहां पता चल रहा है इसको ऊपर लिखोगे काटोगे पिटोगे पच्चीस परसेंटेज है यहां पता लग रहा है पचास परसेंटेज तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ गई पर ये बड़ा किताबी मेथड है देखो सच बताऊं तो एक तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना इतना आसान है नहीं अभी ये तो साधारण वैल्यूज हैं अगर ये यहां पे 37.5 परसेंटेज बोल देता ना एक बार अगर ये यहाँ पे 37.5% 36% 38% 45% 42% ट्वेंटी वन परसेंटेज ट्वेंटी टू परसेंटेज बोल देता ना पसीने आ जाते इनको डिग्रियों में कन्वर्ट करते समय से मल्टीप्लाई करके और सेम यहीं पे ये तो इतनी प्यारी प्यारी डिग्री हैं आगे डिग्री होती ना फोर्टी थ्री पॉइंट टू डिग्री या ये डिग्री होती सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स डिग्री या ये डिग्री होती हंड्रेड पॉइंट एट डिग्री पसीने अलग लेवल पे आ रहे होते इसको थ्री पॉइंट सिक्स से डिवाइड करते हुए कई बच्चों के मन में पता क्या आ रहा होगा कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर मैं इसको 18 बाय फाइव भी तो लिख सकता हूं इसको फाइव बाईट 18 फाइव बाईटीन फाइव बाईट फाइव 18 अगेन बात वही है बट क्वेश्चन वही का वही खड़ा है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज विल मेक इट मोर सिवियर सो लेट्स कम टू द सेकेंड मेथड पानी पी लो आप भी ठीक है तो अब यहां से आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर मेथड नंबर टू ठीक है मेथड मेथड नंबर नंबर क्या कहता है? कहता है है आप आप स्टैंडर्ड डिग्रीज याद ही रख लो आप एक काम करो आप बताओ क्या आपको पता है थर्टी सिक्स डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज है क्या आपको पता सेवनटी टू डिग्री जो है डिग्री का कितना परसेंटेज है क्या आपको पता है कि नाइन्टी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज है कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगे अट्ठारह डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज है क्या आपको पता है 108 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है क्या आपको पता है 54 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है पहले तो मेरे को ये बताओ क्या बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या थर्टी थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज होता है मैंने कहा जी बड़े भाग के टेन परसेंटेज होता है क्या आप बता सकते हो क्या ऐसे ही सेवेंटी सेवेंटी टू डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज होता है मैंने कहा जी बड़े भाग के पांच बार कटेगा तो ये बीस परसेंटेज है आप बता सकते हो क्या नाइनटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज है भाई होता है ट्वेंटी क्या आप बता सकते हो क्या एटीन डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज है पांच परसेंटेज है एक सो आठ डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना परसेंटेज है जीरो से जीरो कटेगा छत्तीस एक सौ आठ थर्टी डिग्री थर्टी परसेंटेज है फिफ्टी फोर डिग्री कितना परसेंटेज होगा ये इसका आधा है 108 का आधा है तो थर्टी का भी आधा हो जाएगा ठीक है अब मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना अगर आपको पता है कि थर्टी सिक्स डिग्री टेन परसेंटेज है तो थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री वन परसेंटेज होगा ऑब्वियस बात है इसका आपने वन बाय टेन कर दिया तो इसका भी वन बाय टेन होगा सेवन पॉइंट टू डिग्री ऑब्वियसली टेन टू परसेंटेज होगा नाइन डिग्री टू पॉइंट फाइव परसेंटेज होगा वन पॉइंट एट डिग्री जीरो पॉइंट फाइव परसेंटेज होगा टेन पॉइंट एट डिग्री थ्री परसेंटेज होगा डिग्री वन पॉइंट फाइव परसेंटेज होगा मेरे को एक बात बताओ ये याद करने में कितने जन्म लगेंगे हमें कितने जन्म लगेंगे हमें ये याद करने में चलो याद कराता हूं भाई 360 का वन टेंथ होता है थर्टी सिक्स डिग्री तो 36 डिग्री अगर पता है ना तो इससे कितने सारे याद हो जाते हैं मैं बताता हूं देखो 36 डिग्री 10 परसेंटेज है तो 3.6 डिग्री 1 परसेंटेज होगा ऑब्वियस सी बात है 36 का डबल होता है 72 तो 36 का डबल हो गया 72 तो 10 का डबल हो गया 20 परसेंट और 72 डिग्री अगर 20 परसेंट है तो 7.2 डिग्री 10 होगा एक सिंपल सी बात समझो 36 का आधा होता है 18 डिग्री 18 डिग्री 18 डिग्री अगर 36 का आधा है 18 तो 10 का आधा होगा 5 सही बात है बिल्कुल सही बात है 36 का 3 टाइम्स होता है 108 तो 10% का 3 टाइम्स होगा 30% ठीक बात है और अब समझो 18 डिग्री तुम्हें तो पता है कि 5% होता है तो 18 का तीन गुना 54 डिग्री 15% होगा और उसके बाद तुम्हें पता है कि भाई नाइन्टी डिग्री तो पूरी थ्री सिक्सटी डिग्री का वन फोर्थ होता है तो पच्चीस परसेंट होगा अब नाइनटी डिग्री अगर पच्चीस परसेंट है तो इसका वन टेंथ नाइन डिग्री इसका वन टेंथ ढाई परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट होगा और इसका एटीन डिग्री अगर पांच परसेंट है तो वन ठीक है अब ठीक है मजा ठीक है तो बता दो लाइव चैट में सारे के सारे बच्चे की अब ठीक है तो थोड़ा बहुत इंटरनेट है भैया थोड़ा बहुत तो कई बार परेशान कर जाता है तो चलिए आते हैं वापस तो हमें पता लग गया कि 36 डिग्री अगर 10 परसेंट है तो 36 का डबल 72 डिग्री 20 परसेंट होगा 36 डिग्री अगर 10 परसेंट है तो इसका तीन गुना वन जीरो एट डिग्री थर्टी परसेंट होगा अभी हमें पता है कि 36 डिग्री 10 परसेंट है तो उसका आधा 18 डिग्री 5 परसेंट होगा ठीक बात समझ गए और हम जानते हैं यार ये जो नाइंटी डिग्री है ये पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री का वन फोर्थ होता है तो वन फोर्थ मतलब पच्चीस परसेंट हो गया तो ये सारी बातें बड़ी क्लियरली दिख रही हैं 18 डिग्री अगर पांच परसेंट पता है तो उसका तीन गुना फिफ्टीन परसेंट जो होगा वो अठारह डिग्री का तीन गुना फिफ्टी फोर डिग्री होगा तो ये बातें हम समझ रहे हैं ना तो थर्टी सिक्स डिग्री थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री थर्टी सिक्स डिग्री अगर टेन परसेंट है तो थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री वन परसेंट होगा सेवेंटी टू डिग्री अगर ट्वेंटी परसेंट है तो सेवन पॉइंट टू डिग्री दो परसेंट होगा नाइन्टी डिग्री अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो नाइन डिग्री क्या होगा टू पॉइंट फाइव परसेंट होगा एटीन डिग्री अगर फाइव परसेंट है तो वन पॉइंट एट डिग्री पॉइंट फाइव परसेंट होगा वन जीरो एट डिग्री अगर थर्टी परसेंट है तो टेन पॉइंट एट डिग्री थ्री परसेंट होगा फिफ्टी फोर डिग्री अगर पंद्रह परसेंट है तो फाइव पॉइंट फोर डिग्री वन पॉइंट फाइव परसेंट होगा तो मुझे एक बात बताओ बेसिक वाले तो सारे कवर हो ही गए इसके अंदर थोड़े टेढ़े वाले बताओगे क्या जैसे कि मान लो ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया, ये आ गया ये बताओ ये बताओ अब ये जो है ना इसको तुम नहीं बता सकते ना थ्री पॉइंट सिक्स से ना फाइव पॉइंट एट से डिवाइड वगैरह करके फिर तो बहुत लेंदी कार्यक्रम हो जाएगा तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अब इसको करो इस अंदाज से जिस अंदाज से मैं बताऊंगा अब ये दिखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज हैं पर मेरे को एक बात तो बताओ मेरे को एक बात तो बताओ अगर मैं इसको लिख दूं 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री तो ये क्या ही रह गया 20 10 परसेंट प्लस दो परसेंट यानी कि 12 परसेंट अगर मैं इसको लिख दूं 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री मतलब 20 20 परसेंट प्लस दो परसेंट यानी कि 22 परसेंट हो गया ये देखो ये इसको मैं लिख दूं अगर 54 डिग्री प्लस थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री तो ये पंद्रह परसेंट फिफ्टीन परसेंट प्लस वन परसेंट सिक्सटीन परसेंट हो गया ये देखो इसको अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री प्लस सेवन पॉइंट टू डिग्री तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस टू परसेंट ट्वेंटी सेवन परसेंट हो गया ये देखो इसको मैं लिख दूं अगर सेवेंटी टू डिग्री प्लस थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री तो ये ट्वेंटी परसेंट प्लस वन परसेंट हो गया इसको अगर मैं लिख दू नाइंटी डिग्री प्लस टेन पॉइंट एट डिग्री तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस थ्री परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट हो गई वैल्यू ठीक है तो देखो कितनी जल्दी कहानी आसान हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज की भी और सिंपल डिग्रीज की भी तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कहानी बनेगी तुम बना लोगे अब तो बना लोगे ना तो उसके लिए बस तुम्हें सबसे पहला काम है इनको रट लेना है जो तुम चार पांच बार पढ़ लोगे तभी रटा जाएगा और बस ये देखना है कि जो भी डिग्री या परसेंटेज या जो भी आया हुआ है वो इनमें से किस में टूट रहा है बस और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 72 टू डिग्री को तो जानता हूँ तो ये सेवेंटी टू प्लस सेवन पॉइंट टू है मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं थर्टी सिक्स डिग्री को तो जानता हूँ तो थर्टी सिक्स प्लस सेवन पॉइंट टू है ये मैं फिफ्टी फोर को तो जानता हूँ तो ये फिफ्टी फोर प्लस थ्री पॉइंट सिक्स है मैं 90 को तो जानता हूँ तो ये 90 प्लस सेवन पॉइंट टू है मैं 72 टू को तो जानता हूँ सेवनटी टू प्लस थ्री पॉइंट सिक्स है मैं जानता हूँ किसको नाइन्टी डिग्री को तो नाइनटी डिग्री प्लस टेन पॉइंट एट डिग्री है तो बस ऐसे ही क्लियर करते हुए चलना है तो इसको बोलते हैं परसेंटेज टू डिग्री ठीक है ठीक है परसेंटेज टू डिग्री अभी तक हमने सीखा है तो क्या मेरी अभी तक की सारी बातें तुम्हें क्लियर है एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बताओ फिर हम नई चीज की तरफ मूव करेंगे क्या तुम्हें टेबल का मतलब क्लियर है टेबल मीन्स डायरेक्ट डेटा ठीक है डायरेक्ट डेटा आता है क्या तुम्हें पाई चार्ट का मतलब क्लियर है पाई चार्ट में तुम्हें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर है तुम्हें डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर है ठीक है तुम्हें परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाना आता है तुम्हें डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना आता है सर ये कैसे होता है डिग्री से परसेंटेज तो समझ लिया परसेंटेज से डिग्री कैसे होता है परसेंटेज से डिग्री की तरफ कैसे जाया जाता है कुछ भी नहीं होता वो तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालना होता है अगर को तुम्हें कोई बोलेगा कि ट्वेंटी फोर परसेंट निकाल दो ट्वेंटी फोर परसेंट हो गया ट्वेंटी टू परसेंट हो गया ट्वेंटी परसेंट हो गया फिफ्टीन परसेंट हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट हो गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट हो गया ठीक है थर्टी परसेंटेज हो गया फिफ्टी परसेंट फिफ्टीन परसेंटेज हो गया एटीन परसेंटेज हो गया ठीक है मान लो ये परसेंटेजेज हो गए तुम्हें बोल रहे हैं ये सारे परसेंटेज चार्ट में दिए गए हैं तुम्हें बोला गया ये सारे परसेंटेज हमने दिए हैं तुम्हें गा... पाई चार्ट के अंदर तो एक काम करो जरा इनको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ तो जब भी एग्जामिनर बोले कि परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ सीधा सीधा क्या करो वो परसेंटेज देख लो कि 360 डिग्री का कितना है बस वो परसेंटेज देख लो 360 डिग्री का कितना है बस वो परसेंटेज देख लो कि थ्री डिग्री का कितना है वो परसेंटेज देख लो बस कि थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना है कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड रखना नहीं है बस वो परसेंटेज देख लो कि थ्री सिक्सटी डिग्री का भैया जी कितना है वो परसेंटेज थ्री सिक्सटी डिग्री का कितना है बस ये देख लो ट्वेंटी फोर परसेंटेज मेरे को क्या दिखाई दे रहा है ट्वेंटी फोर परसेंटेज को कैसे लिख सकता हूं मैं ट्वेंटी फाइव परसेंटेज माइनस वन परसेंटेज इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होगा नाइन्टी डिग्री माइनस वन परसेंटेज यानी कि वन डिग्री वन डिग्री मतलब थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री तो ये कितना आ गया ये आ गया एटी सिक्स पॉइंट फोर डिग्री टन टा बाईस परसेंट निकालना है क्यों ना मैं बीस परसेंट प्लस दो परसेंट निकाल लू इसका बीस परसेंट कितना होगा इसका दस परसेंट है थर्टी सिक्स बीस परसेंट होगा सेवेंटी टू सेवेंटी टू डिग्री है इसका बीस परसेंट तो दो परसेंट कितना होगा सेवन पॉइंट टू डिग्री तो ये हो गया सेवेंटी नाइन पॉइंट टू डिग्री ट्वेंटी परसेंट कितना है थर्टी सिक्स डिग्री का डबल टेन परसेंट का डबल थर्टी सिक्स ट्वेंटी परसेंट तो रटा हुआ होगा सेवेंटी टू डिग्री पंद्रह परसेंट कितना है इसका थ्री बाय ट्वेंटी कर लो थ्री बाय ट्वेंटी कर लो या फिर टेन परसेंट में फाइव परसेंट जोड़ दो छत्तीस डिग्री में अट्ठारह डिग्री जोड़ दो फिफ्टी फोर डिग्री बना दो पच्चीस परसेंट कितना होता है वन फोर्थ होता है वन फोर्थ यानी कि 90 डिग्री बना दो साढ़े बारह परसेंट क्या होता है साढ़े बारह परसेंट होता है इसका वन बाय एट 360 360 डिग्री डिग्री का 1 by 8, एक बात बताओ 360 को 360 डिग्री को अगर मैं चार से डिवाइड करता तो क्या आता 90 डिग्री आता ना तो आठ से डिवाइड करूंगा तो 90 का आधा यानी कि 45 डिग्री आएगा तो ये आ गया जी 45 डिग्री उसके बाद वन बाय एट का तीन गुना अगर इसका वन बाय करने पर फोर्टी डिग्री मिल रहा है तो थ्री बाय करने में फोर्टी का थ्री टाइम्स थर्टी डिग्री मिलेगा थर्टी परसेंटेज थर्टी सिक्स 1.08 डिग्री पंद्रह परसेंट तो हो गया अठारह परसेंट निकालना है अठारह परसेंट के लिए क्या कर लो बीस परसेंट माइनस दो परसेंट कर लो बीस परसेंट कितना होगा इसका इसका बीस परसेंट 72 गया टू डिग्री तो सेवेंटी टू डिग्री माइनस सेवन पॉइंट टू डिग्री कहा नहीं खत्म पैसा हजम ठीक है दो पॉइंट आठ जोड़ोगे इसमें सेवनटी फोर पॉइंट एट सिक्सटी फोर एट डिग्री घटा दिया आपने आ गया सिक्सटी फोर पॉइंट एट डिग्री टन टनाटन टन टन, टन टन टारा मैं ऐसा तगड़ा दिमाग में बिठाऊंगा ना निकाल नहीं पाओगे रिवाइज 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 डीआई तुम्हारे लिए खेल ना बना ना तो देखना अब एग्जामिनर का ना मन नहीं भरता वो क्या करता है एक पाई चार्ट ना देके तुम्हें डबल पाई चार्ट दे देता है ठीक है एक पाई चार्ट ना देके तुम्हें डबल पाई चार्ट भी दे देता है ठीक है, डबल पाई चार्ट तुम्हारे सामने रख देता है ऐसे डबल पाई चार्ट बना देता है वो बोल देता है वैसे बोल देता है कहता है एक एक कॉलेज के अंदर टोटल टोटल मेल जो है ना वो है टेन थाउजेंड या टोटल स्टूडेंट्स लिख देता है टोटल स्टूडेंट्स जो है वो है टेन थाउजेंड और यहां लिख देता है उसमें से टोटल बॉयज हैं सिक्स थाउजेंड ऐसे कर देता है जिसमें से अलग अलग क्लासेस का बता देता है कि भाई फिजिक्स की क्लास में कितने लोग या अलग अलग सब्जेक्ट्स को पसंद करने वाले लोग या अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ने वाले लोग तो मान लो पांच सेमेस्टर्स हैं टोटल तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं और सिक्स सेमेस्टर में कितने लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे सेमेस्टर्स का डेटा दे देता है ठीक है ये बोल देता है जी यहाँ पे टेन परसेंट वैल्यू यहाँ बोल देता है जी पाँच परसेंट वैल्यू बोल देता है जी पंद्रह परसेंट है वैल्यू यहां बोल देता है जी 20 है है वैल्यू ठीक और उसके बाद बोल देता है कि यहां पे वैल्यू वैल्यू जो है 25 है 25 है है इधर भी ठीक ऐसे निकाल देता है अब आप इसमें से इंडिविजुअली निकालते हो इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं ठीक है आपको पता लग जाता है कि हर सेमेस्टर में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट में कितने हैं सेकेंड में कितने हैं थर्ड में कितने हैं फोर्थ में कितने हैं फिफ्थ में कितने हैं सिक्स में कितने हैं ऐसा डेटा दे देता है आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो अब फिर बॉयज बताता है बॉयज <coughs> बताता है कि भैया यहाँ पे बारह परसेंट बॉयज हैं यहाँ पे तेरह परसेंट गर्ल्स हैं सॉरी यहां बॉयज पंद्रह परसेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में एक दो तीन चार पांच छो तेरह परसेंट यहाँ पे हो गई वैल्यू ये फर्स्ट वाले में है ये सेकेंड वाले में है थर्ड वाले में ऐसे ही बताता है आपको की वैल्यू जो है वो ट्वेंटी परसेंट है ठीक है यहां बताता है आपको पांच परसेंट वैल्यू है और इधर देता है आपको थर्टी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट वैल्यू है ठीक है कुछ तो ऐसा चल रहा है कुछ 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 ऐसा देता है आपको ये फर्स्ट सेकेंड है, है ये थर्ड सेमेस्टर में है ये फोर्थ सेमेस्टर में है ये फिफ्थ सेमेस्टर में है ये सिक्स्थ सेमेस्टर में है ठीक है तो यहां पे भी आप निकाल सकते हो इंडिविजुअली कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं थर्ड सेमेस्टर में कितने हैं फोर्थ सेमेस्टर में कितने हैं फिफ्थ सेमेस्टर में कितने हैं हैं सिक्स सेमेस्टर में कितने हैं। तो यहां आपको ये पाई चार्ट का ऐसा हाल दे देता है ठीक है तो टेन थाउजेंड में से टेन परसेंट वन थाउजेंड आ गई वैल्यू टेन थाउजेंड में से फाइव परसेंट पांच सौ आ गई वैल्यू टेन थाउजेंड में से पंद्रह परसेंट पंद्रह सौ आ गई वैल्यू बीस 20 परसेंट दो हजार आ गई वैल्यू पच्चीस 25 परसेंट पच्चीस सौ आ गई वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू भी पच्चीस परसेंट यानी कि पच्चीस सौ आ गई आप देखोगे 5000, हजार 7000, हजार सात हजार दो हजार नौ हजार और एक दस हजार हो गया छः हजार में से बारह परसेंट देखोगे तो बारह छी के बहत्तर सात हो गई वैल्यू उसके बाद 13 परसेंट देखोगे तो तेरह छी के अठहत्तर सात हो गई वैल्यू ठीक है 780 हो गई वैल्यू ये थोड़ा सा छोटा नंबर लेना पड़ेगा हमें थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं यहां पे तेरह परसेंट की जगह ले लेते हैं यहां पे मात्र चार परसेंट ले लेते हैं चार परसेंट ले लेते हैं या पांच परसेंट ले लेते हैं और ये सात परसेंट एडजस्ट करें सात परसेंट यहां एडजस्ट कर दे सात परसेंट यहाँ एडजस्ट कर देते हैं कितना हो गया टोटल मैंने मिस कर दिया एक बार बताना दोबारा पचास और सत्रह सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन एंड ट्वेंटी हो गया एट्टी सेवन तो बाकी का तेरह परसेंट इधर चला जाएगा ठीक है अब ठीक है तो ये आ गया आपके पास सत्रह तेरह तीस परफेक्ट तो छिके अठहत्तर सात सौ अस्सी आ गई वैल्यू और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट अठारह सो ट्वेंटी परसेंट बारह सो तो हमें

और रेशो पूछ लेगा फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर गर्ल्स की रेशो पूछेगा बार बार गर्ल्स की वैल्यू निकालेगा ये तो डेटा हमने निकाला है ना वो तो आपको देगा टोटल स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा टोटल स्टूडेंट्स टोटल बॉयज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछेगा बार बार गर्ल्स के ऊपर तो ये इंडिविजुअल हम सारे टोटल स्टूडेंट्स निकाल लिए इंडिविजुअल टोटल बॉयज निकाल लिए तो टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल बॉयज घटा दोगे गर्ल्स का डेटा आ जाएगा तो अगर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर की गर्ल्स देखें तो वन थाउजेंड टोटल है जिसमें सेवन ट्वेंटी बॉयज है तो बाकी बचे हुए टू एटी हो गई गर्ल्स पाँच सौ में से तीन सौ गया दो सौ आ गई वैल्यू पंद्रह सौ में से बारह सौ गया तीन सौ आ गई वैल्यू दो हजार में से सात सौ अस्सी गया बारह सौ बीस आ गई वैल्यू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से एटीन हंड्रेड गया सेवन हंड्रेड आ गई वैल्यू 2500 में से 1200 गया किया 1300 आ गई वैल्यू तो ये काउंट जो आ गया ये काउंट आ गया जी गर्ल्स का तो ये इंडिविजुअली हमने सारी की सारी गर्ल्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली कि कितनी कितनी है आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछे जाओ हम तैयार हैं मजा आ रहा है आजकल नया दर, नया तरीके से कैसे पूछ रहा है वो ये नया तरीका है ठीक है ये न्यू मेथड है ये नया तरीका है डबल पाई चार्ट देने का डबल पाई चार्ट देने का ये नया तरीका है लेटेस्ट तरीका है लेटेस्ट तरीका लेटेस्ट कंटेंट और एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा क्या कहता है एक तो आपको आउटर पाई चार्ट देता है ठीक है और एक आपको इनर पाई चार्ट देता है कहता है आउटर पाई चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देता है 2000 लोगों का जिन्होंने एक टेंपल में विजिट किया है पांच अलग अलग दिनों में सेम हफ्ते में ठीक है 2000 लोगों में से कितने लोग टेंपल में गए हैं आउटर चार्ट चार्टे बताता है आउटर चार्ट आपको यह बताता है 20 परसेंट दो का 20 परसेंट दो का मतलब यहां पर पता लग गया आपको चार ठीक है समझ रहे हो मेरी बात चार सौ टेन परसेंट दो हजार का ये हो गया दो सौ ट्वेंटी फाइव परसेंट दो हजार का ये हो गया 500, सौ फिफ्टीन परसेंट दो हजार का ये हो गया तीन सौ थर्टी परसेंट दो हजार का ये हो गया 600. ठीक है ये वैल्यूज आ गई सारी की सारी ठीक है ये आ गई जी सारी की सारी वैल्यूज उसके बाद कहता है कि द इनर पाइचर्ड शोज द डोनेशन मेड बाय द सेम टू थाउजेंड पीपल टू द टेम्पल ऑन सेम फाइव डेज अब इन 2000 में से इन 2000 में से सब ने दान तो दिया ही दिया अब इन 2000 में से किसने कब कब दान दिया है ये डेटा आपको दे रहा है कितने लोगों ने दान दिया है सबसे पहली बात 90 डिग्री मतलब कितना होता है 90 बाय 360 यानी कि 25 परसेंटेज 72 डिग्री मतलब 20 परसेंटेज 54 डिग्री मतलब 15 परसेंटेज भूल गए क्या 108 डिग्री मतलब 30 परसेंटेज और 36 डिग्री मतलब 10 परसेंटेज तो डोनेट करने वाले लोग कितने कितने लोगों ने डोनेट किया है मंडे ट्यूसडे, ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे तो 25 परसेंट पहले दिन 25 परसेंट पहले दिन मतलब 500 लोगों ने पहले डोनेट पहले दिन डोनेट किया ठीक है ठीके? और उसके बाद 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट मतलब 400 दूसरे दिन तीन सौ छिया फ्राइडे को टेन परसेंट ने टेन परसेंट ने मतलब दो सौ ने दिया ठीक है अब इतना ज्यादा इसको लॉजिकली मत पकड़ना कि सर पहले दिन तो आए चार थे तो पांच ने कैसे डोनेट कर दिया ये सब चीजें मत सोचना ये एक रेफरेंस के लिए क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चंस में इतना प्रॉपर क्लैरिटी रखी जाती है ये सिर्फ और सिर्फ एक बिगनर लेवल लर्निंग के लिए तुम्हें तो समझाने के लिए चीजें लेके आया हूं कि कैसे कैसे पॉसिबल है क्या क्या होता है दिस इज बेसिकली द बेसिकलीप्ट क्लास नॉट द प्रैक्टिस क्लास डी वगैरह पूरा डिटेल में प्रैक्टिस कराऊंगा इतने सारे सेट प्रैक्टिस करा दूंगा इस उड़ान कोर्स में कि आप पगला जाओगे कहोगे डीआई के क्या बच्चों का खेल है रही बाबा क्या करा रहे हो यार बहुत आसान है तो डबल पाईचार्ट वो अलग अलग निकाल के भी पूछ सकता है और एक में समर्ज करके भी पूछ सकता है ठीक है तो ये सब चीज़ें वो ट्राई करता है ठीक है ऐसे ऐसे उस पर क्वेश्चन बना देता है वो कि कितने लोगों ने डोनेट किया Wednesday को कितने लोगों ने डोनेट किया मंडे को उनकी रेशो बता दो या फ्राइडे को जो लोग आए वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम थे जो ट्यूजडे को लोग आए जो टेम्पल में आए थर्सडे को और जिन्होंने डोनेट किया थर्सडे को उनके बीच की रेशो क्या है और ऐसे ऐसे अलग अलग सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ठीक है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप आज हमने टेबल के बारे में बात की थी टेबल को मैंने मोस्ट सिंपलर वर्जन बताया था अब सिंपलर वर्जन के साथ साथ ना वो कभी व कभी कभी ना सींग लेके भी आ जाता है टेबल और सींग कैसे लेके आता है एक बार जरा पढ़ो इसको क्या दिया गया अरे पढ़ लो यार तुम तो छुट्टी छुट्टी कर रहे हो एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो और फोकस इधर लेके आओ भाई सर फाइव बाई एटीन एटीन बाय फाइव कैसे करते हैं वो तो ऐसे बना ना थ्री पॉइंट सिक्स मतलब थर्टी सिक्स बाय टेन मतलब एटीन बाय फाइव तो जब आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 18 बाई फाइव हो गया जब आप 3.6 से डिवाइड कर रहे हो तो 18 नीचे 5 ऊपर हो गया तो उसका तो देखो बात वही है करना चाहो तो कर सकते हो बट प्रैक्टिकली कोई ज़्यादा फायदा नुकसान होता नहीं है अब ये क्या होता है लिटरेट इलिटरेट का डेटे डेटा वाला डी आ ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन अभी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं बताता हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझना जो टोटल वैल्यू होती है ना उस टोटल वैल्यू को दो या दो तर, दो तरह दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जैसे कि मान लो एक शहर में 500 लोग रहते हैं इन 500 लोगों में से मेल जो है वो 300 है और फीमेल जो है 200 है इसका आप इसमें पेट नहीं भरा उसके साथ साथ वो आपको पता है क्या बोलता है उसके साथ साथ वो आपको बोलता है इन 500 लोगों में से लिटरेट जो है वो 270 हैं और इलिटरेट यानी कि अनपढ़ बाकी के 230 हैं ठीक है तो इसने एक ही चीज के दो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए ठीक है।, है इन 500 लोगों के इसने दो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए एक दो दे दिया मेल फीमेल एक दे दिया लिटरेट इलिटरेट क्या इतने डेटा से मैं बता सकता हूं कि मेल में कितने लिटरेट और कितने इलिटरेट हैं या मेल इलिटरेट कितने हैं फीमेल लिटरेट कितनी है क्या मैं बता सकता हूं सिर्फ इतने से डेटा से नहीं बता सकता तो अब वो क्या करता है वो आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता है जिसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या देगा वो आपको बता देगा कि फीमेल लिटरेट जो है वो वन ट्वेंटी है अब इतनी से डेटा का इस्तेमाल करके आप बाकी चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो कि भैया फीमेल में फर्दर या तो लिटरेट होंगे लोग या इलिटरेट होंगे लोग ठीक है तो कहते हैं फीमेल लिटरेट 120 ट्वेंटी है तो बाकी 80 इलिटरेट होंगी सही बात है मेल्स में भी लिटरेट और इलिटरेट का डेटा है हम जानते हैं कि टोटल लिटरेट लोग हैं 270, सेवेंटी टू, सेविंटी। टू सेविंटी में से 120 तो हो गई महिलाएं तो बाकी बच गई 150, 150 होंगे बाकी के लोग बाकी के आदमी, 300 में से 150 गया बाकी आ गया 150, तो वो क्या करता है जैसे इसमें भी इसने किया कि मेल लिटरेट फीमेल लिटरेट ये सब डेटा दे दिया ये डेटा इतना सफिशियंट है कि आप इंडिविजुअली बता सकते हो कि हर एक में कितने टोटल लोग हैं कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट है कितने मेल है कितनी फीमेल है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए फिर ये क्वेश्चंस बनाता है और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखिए थोड़ा सा आपका टाइम किल करने की कोशिश करता है थोड़ा पानी पी लें गला बैठ गया बिल्कुल बोल बोल के ठीक है बच्चों सबसे पहले इस डेटा को समझते हैं मुझे एक बात बताओ वो क्या कह रहा है वो ऊपर कह रहा है मेल प्लस फीमेल से भी आपको टोटल मिलता है और लिटरेट प्लस इलिटरेट से भी आपको टोटल मिलता है मैंने कहा बहुत बढ़िया सर बहुत ही बढ़िया समझना आप ध्यान से मेरी बात को कहते हैं टोटल निकालना हो तो मेल प्लस फीमेल से भी निकाला जा सकता है और टोटल निकालना हो तो लिटरेट प्लस इलिटरेट से भी निकाला जा सकता है मतलब जो वैल्यू इधर से आएगी वही वैल्यू इधर से आएगी सही बात है मुझे मेल और लिटरेट की रेशो दी हुई है उधर फीमेल और इलिटरेट की वैल्यू दी हुई है तो मेल एंड लिटरेट की रेशो है तो मैं इस लिटरेट को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ऐसा बन जाएगा और इलिटरेट माइनस फीमेल कर देता हूं इलिटरेट माइनस फीमेल ये बन गया कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए तो अगर आप इलिटरेट में से फीमेल घटाते जाओ ठीक है इलिटरेट में से फीमेल घटाते जाओ या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप डिफरेंस तक डिफरेंस तक पहुंचना है आपने बेसिकली ठीक है डिफरेंस तक पहुंचना है तो वो आपका काम यहां पे आसान हो जाएगा दोनों के डिफरेंसेस बराबर हैं कहने की बात है ठीक है जो अब ये ऐसे भी हो सकता था ऐसे भी हो सकता था आप मेल को राइट हैंड साइड भी ले जा सकते थे लिटरेट माइनस मेल कर देते तो ये फीमेल माइनस इलिटरेट हो जाता तो मुद्दा यही है सीधा सा कि जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा बस ये बात है जो मेल और लिटरेट के बीच का डिफरेंस होगा वही इलिटरेट और फीमेल के बीच का डिफरेंस होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं देख पा रहा हूं पांच है इन दोनों के बीच का डिफरेंस सो देख पा रहा हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं सो देख पा रहा हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं थ्री देख पा रहा हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं थ्री देख पा रहा हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस है दो यूनिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एक यूनिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है एक यूनिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तीन यूनिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तीन यूनिट अब दो यूनिट की वैल्यू पांच सौ है क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस बराबर होगा एक यूनिट की वैल्यू सौ है एक यूनिट की वैल्यू सौ है तीन यूनिट की वैल्यू तीन सौ है तीन यूनिट की वैल्यू तीन सौ है तो दो यूनिट की वैल्यू अगर एक सौ पचास है दो यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 250 तो 200 का तो गुना 250 का तीन गुना 250 का दो गुना ये वैल्यूज आ जाएंगी एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो ये 200 300 हो गई वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो ये 400 300 हो गई वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू सो है तो ये आठ सौ हो गई वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू सो है तो ये पांच सौ सौ हो गई वैल्यू तो कहने की है तुमसे जो ये बात सुनते चलो हर जगह हम मेल और फीमेल साथ ही लिटरेट और इलिटरेट निकाल चुके हैं लिटरेट और इलिटरेट निकाल चुके हैं हम डेटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि कैसे कैसे कहानी चल रही है ठीक है तो हर जगह पे हम देख पा रहे हैं पांच सोसाइटीज की बात हो रही है ए बी सी डी ई चलो जी अब सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं मेल्स की वैल्यू कितनी है सेवन फिफ्टी टू हंड्रेड सेवन फिफ्टी टू हंड्रेड फोर हंड्रेड एट हंड्रेड फाइव हंड्रेड और उसी के साथ ही फीमेल्स की वैल्यू कितनी है वन थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड सेवन फिफ्टी सम कितना हो गया सेवनटीन फिफ्टी सम कितना हो गया सिक्स हंड्रेड सम कितना हो गया नाइन हंड्रेड सम हो गया फिफ्टीन हंड्रेड सम हो गया ट्वेल्व फिफ्टी वहीं दूसरी तरफ अगर आप लिटरेट की बात करो लिट्रेट्स कितने हैं ट्वेल्व फिफ्टी थ्री हंड्रेड ट्वेल्व फिफ्टी थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड एट हंड्रेड कितने पांच सौ तीन सौ छह सौ हजार फोर फिफ्टी चाहे आप टेली कर लीजिए इन दोनों का सम सेवनटीन फिफ्टी है इन दोनों का सम छह सौ है इन दोनों का सम नौ सौ है इन दोनों का सम पंद्रह सौ है इन दोनों का सम बारह सौ पचास है तीन यूनिट की वैल्यू तीन सौ तो एक यूनिट की वैल्यू सौ पांच सौ आठ सौ कौन से वाला पंद्रह सौ कह रहे हो बच्चे लास्ट वाला पांच सौ सात सौ पचास आठ सौ चार सौ पचास बारह सौ पचास ही आएगा लास्ट वाला लास्ट डेटा चेक कर लें 750 और 450 का डिफरेंस हो गया 300 इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हो गया तीन यूनिट तीन यूनिट की वैल्यू 300 तो एक यूनिट की वैल्यू 100 तो 800 500 हो गई वैल्यू 500 मेल है 750 फीमेल है 1250 लोग हो गए 800 लिटरेट है 450 सौ पचास 1250 लिटरेट है बारह हो गए सही तो है बच्चे तुमने कोई गलती की है मैंने सही लिखा है भैया तो इसको दे दिया आपने डेटा इस तरीके से डेटा दे दिया अब इधर आपको यह तो पता है कि टोटल कितने हैं इधर आपको पता है मेल्स कितने हैं इधर आपको पता है फीमेल्स कितने हैं आपको पता है टोटल में से लिटरेट कितने हैं आपको पता है टोटल में से इलिटरेट कितने हैं बट आपको क्या यह पता है कि फीमेल इलिटरेट कितने हैं मेल लिटरेट कितने हैं मेल इलिटरेट कितने हैं फीमेल इलिटरेट कितनी है नहीं पता ना तो सवाल इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना बना के देगा वो बार बार तो मजा इसके अंदर है आनंद इसके अंदर है ठीक है और तो ये तो देखो मैंने आपको बोला ना गिवन डेटा मैंने आपको दो तरह की कैटेगरी बताई थी बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो तरह की कैटेगरी बताई थी कि वो क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछता है एक तो तरीका होता है कि गिवन डेटा गिवन डेटा के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाता है और वो डेटा देता है तो जैसे कि ये आपने सारा डेटा निकाल निकाल निकालने के बाद क्या सोसाइटी ए के मेल्स और फीमेल्स निकालने की रेशियो में कोई एफर्ट आएगा नहीं सिंपल क्वेश्चन है क्या सोसाइटी डी के लिटरेट और इलिटरेट का डिफरेंस निकालने में एफर्ट आएगा सिंपल सी बात है क्या इलिटरेट ई e के मेल से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है यह निकालने में कुछ एफर्ट आएगा नहीं बी में कितने लिटरेट है क्या ये निकालने में कुछ एफर्ट आएगा नहीं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है हर एक में फीमेल का परसेंटेज निकाल लो पता लग जाएगा मैक्सिमम कितनी है हो जाएगा बट ये भी एक हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सोसाइटी में कि इलिटरेट पीपल जो है किस में मैक्सिमम है ठीक है ये सब डेटा सारे के सारे जो है ना इनडायरेक्ट डेटा है ठीक है, डायरेक्ट डेटा जैसे डायरेक्ट डेटा पे बेस्ड हो गया कि एवरेज ऑफ आव इलिटरेट पांचों का एवरेज ऑफ आव लिटरेट पांचों का रेशियो निकाल दो ठीक है। पांचों पांचों के पाँचों के टोटल का और फीमेल पांचों के पांचों का ठीक है अब इसको अगर आप देखोगे ना इसको बोलते हैं यहां कि थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा इसने अब एक्स्ट्रा दिया और उसपे क्वेश्चन पूछा ठीक थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा दिया इसको बोलते हैं टाइप टू के क्वेश्चन जिसमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा ऐड करता है और उस पर क्वेश्चन पूछता है जैसे कि उसने बोला कि सोसाइटी ए में 80 प्रतिशत मेल जो हैं वो लिटरेट हैं ठीक है सोसाइटी ए की बात हो रही है सोसाइटी ए का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो क्या था 1750 लोग थे शायद टोटल 1750 में नहीं 1750 नहीं थे कितने थे हजार लोग थे सात सौ पचास मेल थे नहीं दो हजार लोग थे हजार लोग सत्रह सौ पचास लोग ही थे जिसमें सात सौ पचास मेल थे बाकी एक हजार फीमेल थे और लिटरेट इलिटरेट की बात की जाए तो ये वैल्यू थी ना मैं पीछे नहीं करना चाह रहा ऐसे ही निकाल दी मैंने ठीक है तो अब वो क्या बोलता है अब वो बोलता है कि भैया जी एक बात बताओ कहता है एट्टी परसेंट मेल्स लिटरेट है एट्टी परसेंट जो मेल्स है ना वो लिटरेट है ऑब्वियसली इसमें फर्दर लिटरेट और इलिटरेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें फर्दर लिटरेट और इलिटरेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा होगा ना तो कहता है एट्टी परसेंट मेल्स इसका एट्टी परसेंट निकालो पचहत्तर अट्ठे सौ होता है है ना पिछहत्तर अट्ठे छह सौ होता तो 600 सौ कहते हैं लिटरेट है तो बाकी कितने बच गए बाकी बच गए एक सौ पचास वो इलिटरेट होंगे अब बारह सौ पचास टोटल पढ़े लिखे लोग हैं जिसमें से 600 सौ तो जिसमें से 600 सौ मेल है तो बाकी बचे हुए 650 सौ पचास फीमेल होंगे एक हजार में से 650 सौ पचास गया तीन सौ पचास फीमेल इलिटरेट होंगी ठीक है तीन सौ पचास और एक सौ पचास का सम पाँच सौ भी होना चाहिए ठीक बात है कहते हैं कितनी इलिटरेट महिलाएं हैं तो इलिटरेट महिलाएं तीन सौ पचास हैं ठीक है तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ठीक है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक और उसने क्या किया एक्स्ट्रा डेटा इंफ्यूज किया कई बच्चे बोलेंगे सर एक डीआई में दस दस क्वेश्चन कराओगे क्या मैं कह रहा हूं आज हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास है हर एक छोटी से छोटी चीज को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिन डीआई में पूछ सकता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसी कैसी डीआई पॉसिबल है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये एक ओरिएंटेशन लेवल की बिगनर लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेवल की फाउंडेशन लेवल की डीआई की क्लास है जो मैं आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं चलो चलो फटाफट फिनिश करो फटाफट फिनिश करो फटाफट फटाफट फिनिश करो फिर आगे बढ़ते हैं द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन सोसाइटी डी एंड डी आर सात एंड ई के लिटरेट मेल सात सौ है ठीक है सुनना ध्यान से <laughs> करो करो जल्दी करो फटाफट फड़ से करो दिस इज वट वी हैव द गिवन डेटा ठीक है तो कहता है कि लिटरेट मेल्स लिटरेट मेल्स और इन लिटरेट मेल्स ऑफ डी एंड ई जो है ना उनका जो टोटल नंबर है ना देखो इधर के कुछ लिटरेट मेल्स होंगे इधर के कुछ लिटरेट मेल्स होंगे उनका टोटल 700 है फिर कहते हैं रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल इन डी एंड ई आर सात पांच ठीक है अब समझते जाना ठीक है ध्यान से समझते जाना बहुत ध्यान से ठीक है सात पांच क्या है लिटरेट फीमेल्स हैं अब ऑब्वियस बात है इधर लिटरेट होगा इधर इलिटरेट होगा इधर लिटरेट होगा इधर इलिटरेट होगा फोकस है कि नहीं है फोकस है कि नहीं है इतनी बात समझते हो आप दोनों जगह लिटरेट और इलिटरेट होगा मैंने कहा बिल्कुल होगा सर ठीक है सात और पांच रेशियो दे दी लिटरेट फीमेल डीई डी ई डी मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू सेवन एक्स है तो ये वाली वेल्य वैल्यू फाइव एक्स होगी बड़ी कॉमन सी बात लिखी है मैंने बड़ी छोटी सी प्यारी सी बात लिखी है मैंने एक बार सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनेंगे सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनेंगे लिटरेट फीमेल की रेशियो सात पांच है तो मैं इसको सेवन एक्स और फाइव एक्स लिख सकता हूं यस सर लिख सकता हूं यस सर तो अगर ऐसा है तो 500 जो हैं लिटरेट 500, 500 है टोटल यहां पे 500 सौ लिटरेट टोटल है यहां पे तो 500 में से 7x गया पर वाली वैल्यू आएगी 500 सौ माइनस सेवन सही बात है टोटल लिटरेट 800 सौ है यहां पर आठ में से यह 5x गया तो यह वैल्यू आ जाएगी 800 सौ माइनस फाइव छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा रहे हो ऑब्वियसली दिस इज लार्जर दिस इज स्मॉलर कॉमन सेंस है कॉमन सेंस है ये बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी घटाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा छोटी में से बड़ी वैल्यू घटा दी ज्यादा फर्क पड़ गया तो ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है हमें बताया गया है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन दोनों का सम अगर डिफरेंस बता देता तो कैसे करते ये बता रहा हूं ये बड़ी है ये छोटी है ऑल दो हमें इनका सम निकालना है इनका सम कितना है समय माइनस ट्वेल्व एक्स सॉरी इन दोनों का सम कितना है 1300 -12x. थर्टीन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व एक्स इनका सम है एंड दैट इज इक्वल टू सात सो 600 इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स बारह पंजे साठ एक्स की वैल्यू पचास एक्स की वैल्यू पचास आ गई वट एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट जस्ट कैलकुलेट एक्स की वैल्यू आ गई पचास एक्स की वैल्यू पचास निकलने के बाद जो मर्जी कैलकुलेट कर लो अब तो क्योंकि ये आ गया थ्री फिफ्टी ये आ गया टू फिफ्टी एक्स की वैल्यू पचास कैलकुलेट कर ली तो ये भी थ्री फिफ्टी आ गया ये आ गया 500 हमें क्या चाहिए हमें इलिटरेट फीमेल चाहिए सोसाइटी ई e की इलिटरेट इलिटरेट फीमेल सोसाइटी ई की द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल इन सोसाइटी ई वैसे तो वैल्यू आई है 500 क्योंकि एक्स की वैल्यू 50 आई है तो ये वैल्यू आएगी 500 बट इतनी तो इलिटरेट है ही नहीं टोटल तो ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा मैं अगेन कह रहा हूँ डी नहीं है सिर्फ रेफरेंस क्वेश्चन है तो छोटा मोटा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रखा है बट यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे ही तुम निकाल लोगे वैल्यू तो जो भी यहाँ वैल्यू होती फॉर एग्जाम्पल यहाँ पांच वैल्यू होती फॉर एग्जाम्पल तो पांच में से ये सौ घटा देते हैं हमें पता लग जाता है कि कितनी इलिटरेट मेल या फीमेल है इंडिविजुअली निकल जाती वैल्यू तो इलिटरेट फीमेल यहाँ पे सेवन में से टू घटा के पांच भी निकल जाती ठीक है तो इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है तो जो आया आपका पांच आया जो भी आया वो इस हिसाब से वैल्यू यहां पर चेंज कर देंगे वो वही चीज सही है सो दिस इज वट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस डीआई कोर्स ठीक है दिस इज वट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस डी आई कोर्स सर 1300 कैसे आया 500 सौ माइनस सात एक्स और 800 सौ माइनस पांच एक्स का सम कितना आएगा इन दोनों वैल्यूज का सम कितना आएगा 1300 हंड्रेड माइनस ट्वेल्व एक्स थर्टीन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व एक्स सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू सात सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग है तुम पिटोगे मेरे से अभी तो मजा आएगा धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड तेज होती जाएगी तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा इसी के साथ जो एक अगला टाइप जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मुझे पता तुम्हारे सबको जाना है भागना है बट एक छोटी सी चीज जो मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ और एक टाइप जो तुम आरआरबी में एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बेस्ड बाकी की क्लास तो कल ऐप पे होगी अगर कोई बच्चा यहां पे ऐसा कोई है जो डीआई पढ़ना चाहता है डिटेल में सीखना चाहता है और अफोर्ड कर सकता है तो आप यस yes ऑफिसर की सब्सक्रिप्शन ले लो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है कंप्लीट सब्सक्रिप्शन हो या एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन हो आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा एक्सक्लूसिव मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो आप अगर सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हो आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव ठीक आशी है आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड यूज करिएगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सारे सारे के टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी एस डी ट्वेंटी फाइव कोड से आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है इसमें सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी आपको ठीक है अभी फॉर्मुला बेस्ड की तरफ मैं आगे मूव करना चाहता हूं जैसे कि आप सभी पता है आपको एक सुना होगा कि भैया लास्ट के ओवर्स में धोनी uh, का स्ट्राइक रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लास्ट के ओवर्स में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस टर्म का मतलब क्या होता है इस टर्म का मतलब होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रन कोड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इन टू हंड्रेड ठीक है ये होता है टोटल नंबर ऑफ रन कोड टोटल रन कोड ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इंटू हंड्रेड इसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट तो वो क्या करता है आपको एसीडीआई भी देने के पूरे पूरे चांस है ठीक है स्ट्राइक रेट बेस्ड डी कहते हैं इसको अब वो फॉर्मूला यही यूज कर रहा है अब जरूरी नहीं है वो फॉर्मूला यही यूज करेगा अब इसमें वो पता क्या देगा जैसे इसमें देखो रन कोड दे दिया बोल्स प्लेट दे दिया रन स्कोर दे दिया बोल्स प्लेट दे दिया आपको क्वेश्चन जो सारे के सारे आएंगे ना इसमें स्ट्राइक रेट के आएंगे Osionfish. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा रन को बॉल से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू हंड्रेड करना पड़ेगा तो आपको सबकी स्ट्राइक रेट पता लग जाएगी कि सचिन डेविड राहुल विराट कुनाल सबकी जो है स्ट्राइक रेट कितनी है आप क्या करेंगे बोल रन डिवाइडेड बाय बोल्स रन डिवाइडेड बाई बोल्स इंटू हंड्रेड रन डिवाइडेड बाय बोल्स इंटू हंड्रेड करेंगे आपको स्ट्राइक रेट पता लग जाएगा और आपका स्ट्राइक रेट आ जाएगा फिर सारे के सारे क्वेश्चन वो बार बार स्ट्राइक रेट पे पूछेगा स्ट्राइक रेट ऑफ सचिन कितना है स्ट्राइक रेट ऑफ राहुल कुनाल की रेशियो कितनी है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा अलग अलग तरह से जो मैं अभी आपको कराऊंगा सही स्ट्राइक रेट के ऊपर बेस्ड अब वो जरूरी नहीं है स्ट्राइक रेट पूछेगा सिर्फ वो बॉलिंग एवरेज भी पूछ सकता है वो बॉलिंग एवरेज वो आपको फॉर्मुला दे देगा वो टेंशन नहीं है बॉलिंग एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है वो आपको ठीक है बॉलिंग एवरेज जिसमें आपको वो डेटा जो देगा वो देगा रन स्कोर्ड ओवर विकेट्स कितनी विकेट्स गई हैं ऐसा डेटा भी दे सकता है वो आपको बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर डीआई दे सकता है जिसमें वो बोलेगा एक्सपेंडिचर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेंडिचर इन टू हंड्रेड इस डेटा के ऊपर डीआई दे सकता है आपको जिसमें वो आपको इनकम दे देगा एक्सपेंडिचर दे देगा प्रॉफिट परसेंटेज छोड़ देगा या एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा इनकम आपको निकालनी पड़ेगी इसमें तीन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, और इन तीनों में से दो चीजें दे 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 से दो का डिफरेंस देगा दे 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 और एक वैल्यू दे देगा दे जिसके मदद से आपको निकालनी पड़ेगी ठीक है तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं बच्चे आज बच्चे घबरा गए हैं थक गए हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू तो कोई दिक्कत नहीं है आप बस रेगुलर पढ़ाई करते रहिए इस सेशन को दो से तीन बार देखिएगा ठीक है एक उड़ान कोर्स आप सभी के सामने था वैसे तो ये क्लास ऐप पे होने वाली थी बट आप सभी के लिए मैं ये क्लास लेके आया तो आप सभी ने अच्छे से देखा होगा एंजॉय किया होगा सभी तरह के बच्चों ने तो सेशन को लाइक कीजिएगा पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा एक छोटे से सवाल का जवाब कहां गया कहां गया कहां गया कि अगर मैं डिग्री टू परसेंटेज पूछूं तो इन तीनों की परसेंटेज क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे ठीक है बताएंगे ना पक्का बताएंगे देख लो एक तो ये बताना है आपने मेरे को एक ये बताना है आपने मेरे को एक ये बताना है आपने मेरे को, आपने मेरे को। इन तीनों डिग्रीज को परसेंटेज में क्या लिखोगे जरा बताना है कमेंट सेक्शन में सेशन यहीं पे मैं एंड करता हूं और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं देखो कोई आपको मैंने ये नहीं है कि भैया आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करी आज बहुत अच्छा सीखा चाहे आप अफोर्ड कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते हो उडान कोर्स तो आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आया ठीक है एक वैल्यू एडिशन ही हुई है कुछ सीखा ही है ना बच्चे ठीक है और आपको अफोर्ड आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं है आप ये मत सोचना कि सर अब तो मैं डायलमा में इस प्रेशर में आ गया कि अब तो मुझे लेना ही चाहिए या मुझे पढ़ना है ये वो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी यूट्यूब पे पढ़ो स्टडी फाइड पर मैं आपके साथ हूं अगर अफोर्ड कर सकते हो अगर अलाउ करती है पॉकेट तो इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है कि यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन लीजिए चाहे मेरे अकेले की लीजिए चाहे कंप्लीट सबकी लीजिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल एक अच्छे से डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए ठीक है सेशन यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में और अगली क्लास कल सुबह दस बजे होगी बेहतरीन होगी आप सभी सीखने आइएगा मज़ा बहुत आएगा ठीक है गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं एक बार उनको एक बेसिक डिटेल दे देता हूं मैं कि कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन ली जा सकती है देखो अगर आप मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा उस पर क्लिक करो वहां पर अपना नेम मोबाइल नंबर ईमेल आई अपनी बेसिक डिटेल डालो कोड लगा दो टी, -टी लगभग दो हजार रुपए के आसपास आपको मेरे अकेले की पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी बारह महीनों की चौबीस महीनों का ऑप्शन भी अवेलेबल है ठीक है लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ना चाहते हो सभी के सभी टीचर्स से तो एक कोड है एस इससे आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें आप सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस ले सकते हो बारह प्लस दो महीने चौबीस प्लस चार महीने ये भी आपको मिलेगा मतलब बारह महीने की जगह सीधा चौदह महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं यहां पे हम चौबीस महीने की जगह अट्ठाईस महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आपको तो ये भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसमें भी नाम नंबर ई डालिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कोड लगाइएगा एस अकेले की सब्सक्रिप्शन तो टी टी वन जीरो कोड लगाइएगा इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में